एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है एक आजियो हॉल। तो मैंने शॉप करी है बहुत सारी चीज़ें आजियो से, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले गाइस, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, प्लीज डू। सब्सक्राइबिंग इज एब्सोल्युटली फ्री एंड ऑल्सो मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर वीडियोज फॉर यू। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइटम है ये फर जैकेट। सो गाइज, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये फर जैकेट। मतलब ये वो गंदा वाला फर नहीं है जो चुभता है या फिर खींचने से निकलता है, बट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आई ऑल्सो लाइक द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन। इस टाइप की फर जैकेट्स परफेक्ट होती हैं जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना गाइज, ये बहुत ज़्यादा आपको वार्म रखेगी बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा वार्म मटेरियल की है। अंदर से भी इसके फर लगा है और ऊपर से भी इसके फर लगा है। सो इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड एक्सट्रीमली वार्म। इसके साइड पे गाइज, ये साइड टेपिंग स्टाइल है जहाँ पे लिखा है लव लव लव। सो अच्छा लग रहा है, डिफरेंट सा है, डिफरेंट सा कलर कॉम्बिनेशन भी है, अच्छा शाइनी फर है। सो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इस जैकेट का ब्रांड है कैंपस सूत्रा और इसमें मेरा साइज है स्मॉल। इसका एक्चुअल प्राइस था 2199 आई थिंक, बट गाइज ऑन सेल ये मुझे मिला अराउंड 875 समथिंग। सो आई थिंक काफ़ी अच्छी डील है, काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल गई। और अगर क्वालिटी देखी जाए इसकी तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है इसकी। बहुत वार्म है, आपको विंटर्स में बहुत वार्म, बहुत कोजी, बहुत अच्छा ये फील कराएगा। सो डेफिनेटली अगर आपको बहुत ठंड लगती है या फिर आप किसी बहुत ठंडी जगह में रहते हो, देन डेफिनेटली यू कैन गेट दिस वन। इट इज़ वेरी वार्म, वेरी कोजी। गाइज नेक्स्ट थिंग इज दिस ब्लैक कलर स्वेटशर्ट। तो बहुत ही प्यारी सी स्वेटशर्ट है, इसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइट पिंक कलर से लिखा हुआ है बॉन्जियोर। आई थिंक फ्रेंच है बॉन्जियोर। एंड गाइज द प्राइस ऑफ दिस वन वॉज 799, बट इस पर ज़्यादा सेल नहीं थी बिकॉज आई थिंक ये इसका फ्रेश स्टॉक ही है। सो आई गॉट दिस फॉर अराउंड 537 और 547, आई एम नॉट रियली श्योर, आई मेंशन इट ऑन द स्क्रीन। बट ओवरऑल गाइज अच्छी है, इसका मटीरियल भी काफ़ी अच्छा है। मेरा साइज इसमें है स्मॉल, बट आई थिंक आई कुड हैव गॉन अ साइज अप बिकॉज विंटर्स में थोड़े से लूज क्लोथ्स ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट आई लाइक इट। गाइज इसमें ये हुड है तो ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा हुड है, आप डेफिनेटली इस हुड को यूज़ कर सकते हो। लेंथ इज ऑल्सो प्रीटी गुड। सो ओवरऑल आई रियली लाइक इट, आई रियली लाइक दिस ब्राइट पिंक कलर। सो गाइज इस पर एक्चुअली गाइज ये लिखा नहीं हुआ है, इट्स नॉट प्रिंटेड, इस पर वर्क हुआ हुआ है। ये इसको क्या बोलते हैं आई डोंट रिमेंबर, बट इससे गाइज ये वर्क हुआ हुआ है तो ये बहुत प्रिटी सा लग रहा है। बट सो गाइज काफ़ी अच्छी और काफ़ी गर्ली सी स्वेटशर्ट है ये। प्लस ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर, पिंक इज़ ऑल्सो माई फेवरेट कलर, तो दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में बहुत अच्छा लग रहा है। कैजुअल वेयर के लिए ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही परफेक्ट स्वेटशर्ट है, यू कैन डेफिनेटली गो गेट इट। सो गाइज नेक्स्ट थिंग इज दिस रस्ट कलर कार्डिगन। तो मुझे इसका कलर एक्चुअली बहुत अच्छा लगा और इसके कलर के लिए मैंने इसको लिया है। सो अगर आप ऑफिस जाते हो तो फॉर्मल वेयर के लिए आई थिंक कार्डिगन्स आर वेरी नेसेसरी। शॉर्ट के ऊपर ऐसे कार्डिगन्स बहुत अच्छे लगते हैं, प्लस इवन विद टी शर्ट्स और जस्ट दिस कार्डिगन ऑल्सो, अगर आप इसको कैजुअली भी पहनना चाहते हो तो भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर अगर आप सूट वूट के ऊपर पहनना चाहते हो तो भी आप इनको पहन सकते हो। सो उसी पर्पज़ के हिसाब से मैंने इसको लिया है। सो आई रियली लाइक द कलर ऑफ दिस। इसका जो मटेरियल है गाइज वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी सॉफ्ट है, और वैसे भी चुभने वाली स्वेटर्स तो मैं बिल्कुल नहीं पहन सकती, तो मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो जाती है। सो उसके हिसाब से द मटेरियल ऑफ दिस इज क्वाइट नाइस, रियली सॉफ्ट। सो गाइज द प्राइस ऑफ दिस इज 1299, बट ऑन सेल ये मुझे मिला 400 समथिंग का। इसका मटेरियल भी गाइज काफ़ी स्ट्रेचबल है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, और इसमें साइज है मेरा स्मॉल। तो बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रेचबल है तो आप आई थिंक जो आपका साइज है वो ही लो, बड़ा नहीं लो, बिकॉज कार्डिगन्स लूज अच्छे नहीं लगते हैं, ये थोड़े फिटिंग में ही अच्छे लगते हैं। अगर आप इसको जस्ट दिस विद जीन्स भी पहनोगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज नेक्स्ट है ये पीच कलर की शर्ट। तो एक्चुअली मुझे ये वाली शर्ट काफ़ी अच्छी लगी, इसका स्टाइल आई रियली लाइक इट। ये जो इसके साइड टेपिंग हो रखी है और इसकी फ्रंट में भी गाइज ऐसे ये टेपिंग हो रखी है, बहुत अच्छी, बहुत ट्रेंडी लग रही है। अगर आप इसके साथ जेगिंग्स पहनो विद साइड टेपिंग और ये वाली आप शर्ट पहनो तो ओवरऑल आई थिंक बहुत अच्छा लुक आएगा। और इसका ब्रांड है रियो और इसका MRP था 799, बट ये मुझे मिली सिर्फ 285 रुपीज़ में, और इसमें मेरा साइज़ है एक्स्ट्रा स्मॉल। सो आज ही के कुछ मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल आ जाते हैं, कुछ स्मॉल आ जाते हैं, कुछ मीडियम आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो वेरी करता है। मीडियम डेफिनेटली थोड़ा सा लूज रहता है, बट लेकिन फिट भी आ जाता है कभी कभी, सो बहुत वेरी करता है। आप डेफिनेटली जब भी कुछ खरीदो तो साइज चार्ट देख के अपनी मेजरमेंट्स को मैच करके तभी आप लो।
इज लाइक अ वेरी नाइस वेरी लाइट पीची पिंक कलर, तो काफी प्रिटी सा ये कलर है। इसके ऊपर ये व्हाइट बटन्स लगे हैं, आई डोंट नो इफ यू कैन सी देम और नॉट। गाइस द नेक्स्ट थिंग इज दिस शर्ट, तो आई गॉट दिस ब्लू कलर, वेरी नाइस ब्लू कलर शर्ट। मुझे एक्चुअली ये ब्लू कलर इसका बहुत अच्छा लगा। इसके ऊपर गाइस डार्क ब्लू कलर से इसके ऊपर चेक्स बने हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रिटी सा लग रहा है। ये मटेरियल इसका बहुत पतला सा है, मतलब आई विल नॉट से सी थ्रू है, बट पतला है, कंफर्टेबल मटेरियल है इसका। अगर आप ऑफिस जाते हो तो ऐसी शर्ट्स आई थिंक दे लुक रियली नाइस, प्लस कैजुअल वेयर के लिए भी ये काफ़ी अच्छी शर्ट्स हैं, बहुत अच्छी बहुत कम्फर्टेबल शर्ट्स हैं ये। बस इस शर्ट का एक्चुअल प्राइस था 899 रुपीज़, और इसमें मेरा साइज है एक्स्ट्रा स्मॉल, बट आई थिंक आई गॉट दिस फॉर 300 समथिंग। सो 300 की आई थिंक काफी अच्छी शर्ट है ये। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड DNMX, और DNMX के एक्चुअली बहुत सारी शर्ट्स आती हैं, मेरे पास पहले भी DNMX की काफी शर्ट्स हैं, और अच्छी होती है इनकी शर्ट्स, काफी अच्छी क्वालिटी भी होती है इनकी शर्ट्स की। तो अगर आप DNMX की शर्ट्स ट्राई करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली गो ट्राई देम। मेरा एक्सपीरियंस अब तक इनकी शर्ट्स के साथ अच्छा रहा है, सो दे आर गुड। नेक्स्ट है ये ब्लैक और रेड कलर की चेक शर्ट, सो दिस इज रियली गुड फॉर्मल वेयर। आप डेफिनेटली आप इसको इनफॉर्मली भी पहन सकते हो, आप किसी भी शर्ट को आगे से टाई करके पहनोगे तो वो डेफिनेटली बहुत ट्रेंडी बहुत शीक लगती है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस डिफरेंट काइंड ऑफ शर्ट, इसमें गाइज रेड और ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं। तो गाइज इसका प्राइस था 799 रुपीज, बट ये भी मुझे अराउंड 285 रुपीज़ की मिली। इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा बटन भी मिलता है, एंड इसका ब्रांड भी था गाइज आई थिंक DNMX, और इसमें मेरा साइज है एक्स्ट्रा स्मॉल। सो एक्स्ट्रा स्मॉल मुझे काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छे से फिट होता है, बट आई थिंक आई शुड हैव टेकन लाइक स्मॉल, बिकॉज एक्स्ट्रा स्मॉल आई थिंक थोड़ा सा छोटा है। ये शर्ट मुझे अच्छी तो लगी, बट आई विल नॉट से कि बहुत बहुत अच्छी लगी, मतलब बिकॉज जिस कंडीशन में ये आई थी बहुत अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी क्रश्ड कंडीशन में ये आई थी। सो अच्छे से यू नो पैक्ड नहीं थी, बस जैसे होता है ना ठूस दिया इन्होंने पैकेट में, उस कंडीशन में आई थी। सो मे बी थोड़ी सी क्रश्ड हो गई है, तो अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही है, बट आई रियली लाइक द स्ट्राइप थिंग गोइंग ऑन दिस। गाइस नेक्स्ट थिंग इज दिस ट्रेगिंग, सो दिस इज लाइक अ ब्लैक कलर ट्रेगिंग, दिस इज जो स्पैंडेक्स और पॉलिएस्टर मिक्स टाइप का होता है वो वाला मटेरियल है ये। तो गाइस विंटर्स में ये मटेरियल बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज ये थोड़ा सा थिक मटेरियल होता है, तो इट कीप्स यू वार्म। सो ट्रेगिंग्स आई थिंक आर वेरी गुड फॉर विंटर वेयर, बिकॉज थिक मटेरियल है तो आपको वार्म रखेगा। सो दिस इज लाइक अ ब्लैक लेगिंग, एंकल लेंथ लेगिंग, और इसकी साइड पे ना ये ऐसे व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स हो रखी है। सो काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये, काफ़ी ट्रेंडी सी ट्रेगिंग्स लगी मुझे ये, और गाइज काफ़ी ज़्यादा ही अफोर्डेबल थी, बिकॉज इसका प्राइस था 999 रुपीज़, बट ये मुझे आई थिंक 300 समथिंग की पड़ी है। सो 300 के हिसाब से तो गाइज 350 समथिंग आई थिंक, सो उसके हिसाब से तो काफ़ी अफोर्डेबल है, और इसमें मेरा साइज है गाइज अ स्मॉल। मैंने लिया ये ब्लू कलर का ट्रेगिंग, सो गाइज ये थोड़ा सा जो डेनिम टाइप की ट्रेगिंग्स लगती हैं ये उस टाइप की है। सो बहुत बार ना जीन्स पहनने का या डेनिम्स पहनने का मन नहीं करता है, तो आई थिंक ये उस टाइम पे बहुत काम आता है, बिकॉज ये बहुत कम्फर्टेबल है, और कभी कभी यू नो आपको जीन्स कम्फर्टेबल नहीं लगते, जैसे अगर आपको ट्रैवल करना है या कभी कैजुअल वेयर में कहीं जाना है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी है, बिकॉज ये लगेगी जीन्स की तरह, बट एक्चुअली दीज आर ट्रेगिंग्स। ट्रेगिंग्स आर बेसिकली ट्राउजर्स एंड लेगिंग्स, सो उसी से बनता है ट्रेगिंग्स। इसके आगे ना ऐसे ये बटन डिटेलिंग हो रखी है उसी कलर की, जिस कलर की ये है उसी से थोड़ी डार्क नेवी ब्लू कलर की इसके ऊपर ये बटन डिटेलिंग है। इसका प्राइस भी गाइस एक्चुअल MRP था 999, बट ये भी मुझे 350-360 ऐसे ही कुछ पड़ी, और इसमें भी मेरा साइज है स्मॉल। दिस इज ऑल्सो एंकल लेंथ, और काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका, आई रियली लाइक इट। दिस इज ऑल्सो रियली थिक एंड रियली वार्म। दैट वाज द लास्ट आइटम, एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, सो दैट एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड। एंड ऑल्सो गाइज यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram पर मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।